ఈరోపిని ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई रूपी उसका भी एक प्रतीक है. और मुझे खुशी है कि शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है. और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है. साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा. इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है. अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है. मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें देना भेजना चाहता है, अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है. ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं. समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी. जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा. यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है. जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है. कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा. कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा. अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा. इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं. अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए. अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए. गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके. यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा. साथियों, पहले हमारे देश में
कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी, और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। आप आज के ही यूनिक प्रोडक्ट को देखिए। आज हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि देश ने जनधन खातों को खोलने, उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जेम जैसी व्यवस्था के लिए वर्षों मेहनत की है। जब जेम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे।